सीरियल से भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे टर्न किया? आप मुंबई से रही भी हैं तो फिर बहुत टफ है, अलग ही दुनिया है भोजपुरी, और वहाँ से घर आना जबकि आपका करियर ऑलरेडी इतना अच्छा चल रहा था सीरियल्स में, आप 3 सीरियल्स अभी तक कर चुकी हैं। जी एक्चुअली अब ये सब तो चल रहा था, माई ग्रैंड मदर वॉज़ वेरी हैप्पी, दादी माँ बड़ी खुश थी जब मैंने नया नया शुरू किया था तो। लेकिन सीरियल ना फिल्म जैसा नहीं होता, सीरियल इज़ लाइक इट्स लाइक अ बीस्ट, इट हॉन्ट्स यू, आपका कब्जा कर लेता है पूरा लाइफ। मतलब आपके पास सिर्फ 6 घंटे बचते हैं सोने उठने नहाने खाने के लिए, हाँ बाकी 18 घंटे आपको शूटिंग, हाँ आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ शूटिंग करनी है। तो मैं 18 घंटे शूट करके घर पे आती थी, वही दादी माँ जो मुझसे बड़ा प्यार करती थी और मुझ पर बहुत प्राउड फील करती थी कि हमारी खानदान की पहली लड़की है जो एक्टिंग कर रही है, जो टीवी पे आती है, उनका अब धीरे धीरे चेंज ओवर चालू हो गया और उन्होंने कहना शुरू किया कि अच्छा क्या इतना काम करी 18 घंटे बाद घर पर आती है, जिला जवार में कहो के पते नहीं खे कि और मैं सोचती थी दादी माँ मतलब आपके किसी बेटे ने, किसी ने इतना नाम नहीं कमाया जितना मैंने कमाया, किसी पोते ने नहीं, किसी पोती ने नहीं, सब मेहनत मैं करी और आप बोल रहे हो कि गांव में मुझे कोई जानता ही नहीं, दैट्स ह्यूमिलिएटिंग। तो फिर उसके बाद जब मैंने बहुत ताने सुन लिए तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे एक भोजपुरी फिल्म कम से कम मेरी दादी माँ की खुशी के लिए करनी चाहिए। तो जी हाँ उनको तो पता होना ही चाहिए। और तभी निरहुआ जी, दिनेश जी बिग बॉस में आए थे और बिग बॉस में मेरे एक फ्रेंड थे संतोष शुक्ला जी, हमने पहले ही एक सीरियल की शूटिंग साथ में की थी तो उसके बाद वी वर नॉट इन टच। तो संतोष जी चले गए थे बिग बॉस में तो मैं सारे एपिसोड्स देखती थी बिकॉज मेरे फ्रेंड संतोष जी थे उसमें तो मुझे अच्छा लगता था देख के। और जब वो बिग बॉस से बाहर निकले, जब बिग बॉस सीजन ख़त्म हो गया, वहीं पे मैं पहली बार एक्चुअली जानी कि निरहुआ जी कौन है, दिनेश जी कौन है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। नहीं मैं जानती थी कि देयर इज़ एन इंडस्ट्री और मैं बहुत मतलब मैं मुझे बहुत अच्छे से, मैं खुद गोरखपुर से हूँ, मतलब मेरा होम टाउन गोरखपुर है तो कई बार शादियों में गाने वाने बजते रहते थे, अभी भी बजते हैं, इनकम्प्लीट है तो लॉलीपॉप लागे लूँ तो बजेगा। तो उस तरह से हम जानते थे बट कोई फिल्म देखना वैसा कभी नहीं हुआ। तो वही जब मैं बिग बॉस देखती थी उसी दौरान एक दिन मुझे ये सीरियल की शूटिंग से जल्दी छुट्टी मिल गई और मैं दोपहर को घर आ गई और मेरी दादी माँ हॉल में सोफे पर लेटकर टीवी देख रही थी और टीवी पर चल रही थी दिनेश जी की फिल्म परिवार, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं बट आई थिंक इट्स अ बेंचमार्क ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और आप समझ लीजिए भोजपुरी की हम साथ साथ हैं वो, या उससे भी कुछ मैं बड़ा कहना चाहूँ तो वो मुझे रामायण ही लगती है, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है वो फिल्म कि मैंने उस फिल्म को देखा और मुझे लगा यार ये जो लोग बोल रहे थे मुझे बार बार कि भोजपुरी में ऐसी फिल्में बनती है, लो ग्रेड की इंडस्ट्री है, तुम क्यों करना चाहती हो, मेरे सीरियल के सारे फ्रेंड्स मुझे बड़ा मना कर रहे थे बट जब मैंने परिवार फिल्म देखी तो मैंने ठान लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में एक फिल्म ऐसी ज़रूर करनी है और अगर मेरी दादी चाहती है कि मेरे गांव में लोग मुझे जाने तो ऐसी फिल्मों से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा जिससे लोग मुझे जान सकते हैं। सो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे काम करना है। और उसी दौरान संतोष जी और दिनेश जी बाहर निकले, उनका सीज़न बिग बॉस का ख़त्म हुआ और मेरे पास संतोष जी का नंबर मिसप्लेस हो गया था। उन्होंने मुझे कॉल किया कि अरे यार कैसी हो तुम, मुझे बिग बॉस में देख के हर किसी ने फ़ोन किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, तुमने कॉल नहीं किया। तो मैंने बुला रहे आई एम सो सॉरी संतोष जी, मेरे पास से आपका नंबर मिसप्लेस हो गया था। तो हम लोग मिले एक बार और मैंने उनसे बोला कि मुझे ना भोजपुरी फिल्मों में काम करना है, आप प्लीज़ एक बार दिनेश जी से बात करिए। तो बोली मैं अभी बात करता हूँ और उन्होंने दिनेश जी से बात कराई और ये वही समय है जब दिनेश जी निरहुआ हिंदुस्तानी के लिए हीरोइन ढूँढ रहे थे। उनको चाहिए था कि उनकी फिल्म में कोई फ्रेश फेस आए, कोई फ्रेश लड़की आए जो भोजपुरी इंडस्ट्री से ना हो, नई जगह से हो, दूसरी इंडस्ट्री से हो और बहुत अच्छी परफॉर्मर हो। तो मैं उनसे मिली और हमारे फिल्म के डायरेक्टर से भी मिली, मैंने अपने सीरियल के लिंक्स उनको यूट्यूब पर सेंड किए, मैं बोला आप लोग देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। तो सब ने कहा नहीं नहीं आपका सीरियल बहुत फेमस है, हमारा देखा हुआ है एंड यू आर द परफेक्ट कास्ट फॉर दिस रोल।
और मुझे बाद में जब मैंने फिल्म कर ली उसके बाद मुझे पता चला कि लगभग वो लोग कुछ 300-350 लड़कियों से मिल चुके थे निरहुआ हिंदुस्तानी के सोना कैरेक्टर के लिए, और उन्होंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया था। सतीश जैन जी जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, वो अभी इतनी लड़कियों को ढूंढने के बाद भी अभी रुके ही थे कि क्या करें, कहाँ से आएगी लड़की। और मुझे जिस दिन उन्होंने देखा उसी दिन उन्होंने बोला कि ये लड़की फाइनल है इस फिल्म के लिए, आप अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लीजिए। तो आई रिमेम्बर कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा था कि आए सो एंड सो नाम की जगह पे गैप था, ये लोग बस रुके थे कि कोई लड़की मिले उसका नाम भरा जाए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो।